हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, चलिए आज हम कुछ पुस्तकें और उनके लेखक को देख लेते हैं जो करंट में थे, ठीक है। और अगर इसकी आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहां आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। चलिए देख लेते हैं फ्रेंड्स, जो किसी भी एग्जाम में बुक्स और उनसे लेखक के बारे में हमेशा एक से दो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, और इतने सारे बुक्स होते हैं कि उनको याद रख पाना मुश्किल होता है। तो यहाँ पे मैंने उन्हीं बुक्स को लिया है जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ठीक है। और अगर आपने इतने को ही रख लिया तो आप जितने भी बुक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे आप उसको आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण बुक्स है और उनके लेखकों को, ठीक है। देखिए, पहला बुक्स है आपका गुड इकोनॉमिक्स फॉर हार्ड टाइम, ठीक है। इनके लेखक है अभिजीत बनर्जी, एस्थर डुप्लो। आपको हमने करंट में पढ़ाया था, आपको याद होगा कि इनको जो है अभी अर्थशास्त्र के लिए नोबेल प्राइज दिया गया है, ठीक है। ये दोनों हस्बैंड वाइफ है और इनको अर्थशास्त्र के लिए नोबेल प्राइज मिला है, ठीक है। और इनकी जो बुक है गुड इकोनॉमिक्स फॉर हार्ड टाइम, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। माइंड मास्टर, विनिंग लेसन्स फॉर एन चैंपियन लाइफ, ठीक है। तो आप इसको सिर्फ ये रखिए माइंड मास्टर, ठीक है। माइंड मास्टर किसकी बुक है? विश्वनाथन आनंद और सुसन निनान की, ठीक है। तो आपको याद रखना ये विश्वनाथन जो है एक शतरंज के खिलाड़ी है, ठीक है। शतरंज खेलने में बहुत ज्यादा क्या लगाना पड़ता है? माइंड लगाना पड़ता है, ठीक है। तो आप इससे याद रख सकते हैं माइंड मास्टर, ठीक है। ये विश्व चैंपियन रह चुके है शतरंज के लिए, ठीक है। थर्ड देखते हैं द टेस्टामेंट के लिए मार्गरेट एटवुड ने जो है टेस्टामेंट लिखी है, ठीक है। इनकी बुक है गर्ल वुमन अदर, ठीक है, बर्नार्डिन एवरिस्टो। आपको पता होगा कि इन दोनों को जो है अभी जो है मैन बुकर प्राइज दिया गया है। पहली बार जो है दो लोगों को मैन बुकर प्राइज मिला है, ठीक है। उनमें मार्गरेट एटवुड और बर्नार्डिन एवरिस्टो है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है इनकी बुक द टेस्टामेंट, मार्गरेट एटवुड, गर्ल वुमन अदर, बर्नार्डिन एवरिस्टो, ठीक है। बीकमिंग जो है मिशेल ओबामा की है, जो बराक ओबामा जी की वाइफ है, ठीक है। आगे देखते हैं गर्ल पावर इंडियन वुमेन हु ब्रोक द रूल, ठीक है। तो आप यहाँ बस याद रखिए गर्ल पावर किसने लिखी है? नेहा हीरा नंदानी ने, ठीक है, नेहा हीरा नंदानी ने। रीथिंकिंग गुड गवर्नमेंट, ठीक है, ये किनकी बुक है? विनोद राय की, ठीक है। तो ये बहुत फेमस है, तो इसलिए इनकी जो बुक है ये पूछी जाती है हर दिन, ये मतलब न्यूज में रहते ही हैं, ठीक है। रिसेट रीजनिंग इंडियाज इकोनॉमिक लिगेसी, ठीक है, ये जो है सुब्रमण्यम स्वामी की बुक है। तो याद रखिएगा रीसेट, ठीक है, बस रीसेट याद रखिएगा, रीसेट सुब्रमण्यम स्वामी जी की बुक है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, ठीक है, वेंकैया नायडू जो हमारे क्या है उपराष्ट्रपति हैं, ठीक है, उनकी बुक है लिसनिंग लर्निंग एंड लीडिंग, ठीक है। तो उपराष्ट्रपति है या राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री, इनके द्वारा जो बुक निकाली जाती है, लिखी जाती है, वो इम्पोर्टेंट हो ही जाती है, ठीक है। किसी ना किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन आ ही जाते हैं, तो याद रखिएगा लिसनिंग लर्निंग लीडिंग किनकी बुक है? वेंकैया नायडू की, ठीक है। श्री देवी जिनका भी हाल में निधन हो गया है, ठीक है, इनके लिए बुक लिखी है सत्यार्थ नायक ने। कौन है? श्रीदेवी, गर्ल वुमेन सुपर स्टार, ठीक है। रिसर्टेंट इंडिया, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है विमल जलान जी की। आपको करंट में पढ़ाया था हमने विमल जलान, जो आरबीआई ने जो गवर्नमेंट को पैसे दिए हैं 1.7 लाख करोड़ रुपए जो बैंकों के पुनर्पूंजीकरण के लिए, वो इन्हीं की अध्यक्षता में समिति बनाई गई थी, विमल जलान समिति, उन्हीं के सिफारिश पे जो है उनको पैसे दिए गए हैं। तो इसलिए जो है विमल जलान की जो बुक है रिसर्जेंट इंडिया, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब देखते हैं बोलना ही है लोकतंत्र, संस्कृति और राष्ट्र के बारे में, तो आप यहाँ याद रखिए बोलना ही है, ठीक है। तो आपको पता होगा रवीश कुमार जो एनडीटीवी के हैं पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार, ठीक है, इनको याद होगा आपको रमन मैग्सेसे पुरस्कार से नवाजा गया है, इसलिए इनकी बुक जो है इम्पोर्टेंट हो सकती है, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन बनते हैं कि रमन मैग्सेसे पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो कौन है? रवीश कुमार, ठीक है। अब देख लेते हैं द न्यू दिल्ली कॉन्स्पिरेसी, ठीक है,
इनके लेखक के कौन है, मीनाक्षी लेखी और कृष्ण कुमार, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। लेसन्स लाइफ टॉट भी अनोइंगली, ये किनकी बुक है, अनुपम खेर की, ठीक है। गोपालगंज से रायसीना तक, ये जो है लालू प्रसाद की राजनीतिक यात्रा के बारे में जो है इसमें बताया गया, ये बिहार के पर्पज से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो इनको लिखा किसने है, नलीन वर्मा ने, ठीक है। लालू प्रसाद और नलीन वर्मा के द्वारा ये बुक लिखी गई है। आपको समझ आ रहा होगा कि ये बुक इम्पोर्टेंट क्यों है, ठीक है। तो आप इन चीजों को अच्छे से याद रखिएगा और इसको एक दूसरे से जोड़ के पढ़िएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, इंडिया पॉजिटिव, ठीक है। इनकी बुक कौन है, चेतन भगत की ये बुक है, ठीक है। द थर्ड पिलर, हाउ मार्केट एंड द स्टेट लीव द कम्युनिस्ट बिहाइंड, ठीक है। तो इसको बस याद रखिए, द थर्ड पिलर, ठीक है। ये किनकी बुक है, रघुराम राजन की, ठीक है। द थर्ड पिलर, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, किनकी बुक है, संजय थारू की। आपको पता होगा रघुराम राजन जी जो है पूर्व आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं, ठीक है, क्लियर है ये। चलिए आगे देख लेते हैं, एक और बुक है जो हमारे उपराष्ट्रपति जी की है, मूविंग ऑन मूविंग फॉरवर्ड अ ईयर इन ऑफिस, ठीक है। ये किनकी बुक है, वेंकैया नायडू की, ठीक है। 221 एंड बियॉन्ड आत्मकथा, ये किनकी बुक है, बीवीएस लक्ष्मण की, ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। गांधी जी की अभी 150 वर्षगांठ भी मनाई गई है, इम्पोर्टेंट हो सकता है। गांधी द ईयर्स दैट चेंज द वर्ल्ड 1914 से 1948, किनकी बुक है, रामचंद्र गुहा की, ठीक है। हम रामचंद्र गुहा की के बुक्स भी पढ़ते हैं, ठीक है, तो उनकी ही ये बुक है। एग्जाम वॉरियर, ये हमारे नरेंद्र मोदी जी की बुक है। रिबूटिंग इंडिया रियलाइजिंग ए बिलियन एस्पिरेंस, ये है नंदन नीलेकणी की। आपको याद होगा कि डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए इन्हीं की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी, ठीक है। तो इसलिए ये जो है इम्पोर्टेंट हो सकता है, नंदन नीलेकणी समिति बनाई गई थी, किसके लिए, डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए। ये क्वेश्चन पिछली बार यूपीपीसीएस में पूछा गया था, तो शायद रिपीट कर दे, तो इसको याद रखेगा। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम्स स्टीफन हॉकिंग्स की बुक है, ठीक है। द रूल ब्रेकर्स जो है प्रीति सिनोय की बुक है। द इंग्लिश पेशेंट माइकल ओंडाजते की बुक है, ठीक है। योगी आदित्यनाथ, ये जो है आपके यूपीपीसीएस के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, तो इसको याद रखेगा। योगी आदित्यनाथ द राइज ऑफ ए सैक्रन सोशलिस्ट, ये किन की बुक है, प्रवीण कुमार ने ये बुक लिखी है, ये इम्पोर्टेंट है आपका। क्यू चोटे, ये किन की बुक है, सलमान रुश्दी की, ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। डिजिटल नेशंस, ये किन की बुक है, एन चंद्रशेखरन रूपा पुरुषोत्तम की ये बुक है। माय सीडीसीएम हार्ट, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, अरुंधति राय। विवेक दीपिनी, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है बहुत, क्योंकि ये किनकी बुक है, हमारे उपराष्ट्रपति जी की, वेंकैया नायडू की। गन आइसलैंड और फ्लड ऑफ फायर, ठीक है, गन आइसलैंड और फ्लड ऑफ फायर किनकी बुक है, अमिताभ घोष की, ठीक है। द गर्ल इन रूम 105 किनकी बुक है, चेतन भगत की, ठीक है। बेशरमी किसकी बुक है, तस्लीम नसरीन की, ये बांग्लादेश की है, और इन्होंने एक और बुक लिखी थी आपकी लज्जा, ठीक है, और उसके अब लिखी है बेशरम किनकी, तस्लीम नसरीन की। तो ये इम्पोर्टेंट है, बस इतना ही कर लीजिएगा, आपके इसमें से क्वेश्चन फंस जाएंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, वीडियो यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।